पवित्र श्रावण महीने का आज है पहला सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश के कोने कोने से देवघर झारखंड में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लाखों शिव भक्त जुटे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव की पूजा अर्चना के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे, सावन का पहला सोमवार शिव जी की उपासना के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पहला सोमवार वैसे भी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्त अपनी सारी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। हम यहाँ पर हटकेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं, जो राजधानी रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, जो भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, वो सावन क्योंकि मास यहाँ पर शुरू हो चुका है और सावन के महीने में भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो विशेष ढंग से की जाती है। और यही वजह है कि जो भक्तों का सैलाब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो लंबी लाइन कतारें यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम कतारें उन्हीं भक्तों की है जो लगातार शिव मंदिर में इसी मास में पूजा करने के लिए, विशेष पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और खास तौर पर जो पूजा अर्चना के लिए जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक मन्नत होती है, कुछ अपनी मन्नतों को मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और मैं इसका इतिहास आपको बता दूं कि इस मंदिर का इतिहास ये बताया जाता है कि आज से 500 साल पहले राजाओं ने इस मंदिर को बसाया था। मंदिर क्योंकि नदी के ठीक किनारे है और नदी में ही यहाँ पर राजाओं को एक शिवलिंग मिली थी। और शिवलिंग मिलने के बाद क्योंकि राजा के जो पुजारी थे उस वक्त, उस दौरान उन्होंने कहा था कि इस शिवलिंग यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। और स्थापित करने के साथ में ही क्योंकि जो जिस तरीके से पूरी स्थापना यहाँ पर होती है, वो स्थापना पूरी तरीके से उसी दौरान हो चुकी थी और उसी दौरान इसका नाम महादेव घाट भी पड़ चुका था। लेकिन इस मंदिर का नाम क्योंकि हटकेश्वर नाथ उस दौरान यहाँ पर रखा गया था, और तब से ही ये प्राचीन काल से मंदिर में लोगों की जो मन्नतें हैं वो यहाँ पर, वो अपनी मन्नतें मांगते आ रहे हैं। लोग सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और खास तौर पर आज के दिन विशेष पूजा अर्चना का दौर रहता है। हमारे साथ में कुछ भक्त मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे किस तरीके से सावन मास को आप लोग मना रहे हैं और यहाँ पर आज मंदिर में पूजा अर्चना किया। जी ओम नमस्कार। हम हर सोमवार को यहाँ पर आते हैं, शंकर जी में बेलपत्ता चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और महुआ का मुराद पाते हैं। बिल्कुल, कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये सावन मास क्यों महत्वपूर्ण होता है? सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करके एक महीना रहता है, जिसमें हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान शिव के दर पे आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। सबकी इच्छाएं को भगवान भोलेनाथ हटकेश्वर महादेव सबकी इच्छाएं को पूरी करते हैं। सावन मास इस बहुत ही परम मास होता है, इसमें सब भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, जाहिर है लोग दूर दराज से आते हैं। और आप ये जो लाइन देख रहे हैं, इसमें कई कांवड़ यात्री भी होते हैं, जो ये ऐसे लोग होते हैं जो नदी से जल उठाकर काफी लंबी यात्रा पैदल तय करते हुए मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद भगवान शिव में जल चढ़ाने का जो काम है वो यहाँ पर विधिवत करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्री क्योंकि हजारों की संख्या में अलग अलग मंदिरों में जाकर इसी तरीके से इसी तर्ज पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। यही विशेष पर्व होता है सावन महीने का, जब भोलेनाथ की पूजा इसी तर्ज पर की जाती है। और जो लोगों की संख्या है, जो भीड़ है, जो जनता और साथ ही साथ जो दर्शनार्थियों का सैलाब है, वो काफी उमड़ता शिव मंदिर में नजर आता है। और आज हम जिस शिव मंदिर में खड़े हैं, ये राजधानी रायपुर का प्राचीन शिव मंदिर है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा लोगों की जो लाइन है, कतारें हैं, जो लोग भक्त हैं, वो सबसे ज्यादा यही उमड़ते हुए नजर आते हैं। आपको मैं मंदिर परिसर को दिखाऊं तो पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया है, साथ ही भक्तों में पूरी शिव भक्ति का जोश है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह कतार में भक्त सुबह से ही खड़े हैं। और बात की जाए यहाँ मंगला आरती की, तो सुबह 4 बजे से मंगला आरती शुरू हुई थी, जिसके बाद 5 बजे दूध अभिषेक किया गया। अभी हाल ही में 8 बजे एक बार फिर से भगवान शंकर की आरती की गई है। और यहाँ पर कई सारे भक्त हैं, तो उनसे जान लेते हैं कैसा लग रहा है उन्हें आज। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली से ही आए हम। कैसे मना रहे हैं शिव जी को? बस मना रहे हैं जल चढ़ा के, वो तो वैसे ही मान जाते हैं। तो कहा जाता है शिव जी बड़े भोले हैं, तो आप भोले शिव जी को कैसे मना रहे हैं? जल चढ़ाकर और पूजा कर कर। कहाँ से आए हैं? पीतम बोल रहा हूँ। कैसे मना रहे हैं आज शिव जी? व्रत रख कर। तो कंचन, कहा जाता है कि
शिव जी की आराधना ही इसीलिए की जाती है कि ताकि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले, एक अंडरस्टैंडिंग जीवन साथी मिले। तो यहाँ पे एक यंगस्टर है, उनसे जान लेते हैं कि वो भी अच्छे पति के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए व्रत रखती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छी लाइफ के लिए, ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी जुड़ गई है जो भी शिव जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। उनके हाथ में भगवानों के पुष्प है, बेलपत्र है। तो किस तरह से आप मना रही हैं आज शिव जी को? जी, मैं शिव भक्त हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आई हूँ और तभी से मेरे भाई उदय कौशिक ने मुझे यहाँ लाए थे, तभी से हर सोमवार को मैं यहाँ आती हूँ। बाबा की बड़ी कृपा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी कंचन, तो सुबह से ही यहाँ पर ओम नमः शिवाय और बोल बम के गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। सामने मंदिर के दक्षिण भाग में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए ध्यान की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ भंडारे और प्रसाद के लिए भी भक्तों के लिए उचित, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, सभी तरह की व्यवस्था की गई है।